नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी सोशियोलॉजी की सीरीज़ चल रही है कंटिन्यू, TNET जो एग्ज़ाम है हमारे, उसको फोकस करते हुए सामाजिक विचारकों के संबंध में चल रहा है ये सेशन। और नेक्स्ट उसी क्रम में हमारे जो उत्तर आधुनिक उत्तर संरचनावादी में हम लोगों ने दो दो थिंकर्स के बारे में पढ़ लिया है। वो थिंकर्स एडवर्ड सईद और पियरे बोर्डियो थे। उसी क्रम में आगे हम मिशेल फोकोल्ड के बारे में, कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था, वो बहुत शॉर्ट में था, तबीयत थोड़ी ना सही होने की वजह से मैंने उसमें शॉर्ट बना दिया था, अदरवाइज़ तो उन्हीं मिशेल फोको के बारे में मैंने आपको कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ वो दिए थे, क्या कहते हैं, फैक्ट्स दिए थे उनसे, इन्फॉर्मेशन उनके इंट्रोडक्शन लाइफ 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 से उनसे संबंधित। तो बायोग्राफी और बुक के नाम तो मैंने आपको वहाँ पे काउंट करा दिए थे, और इस वीडियो में हम लोग उनके बुक को पढ़ेंगे और बुक को बुक में उन्होंने किस चीज़ का बहुत विस्तार से उन्होंने व्याख्या की है, जो भी सारी चीज़ों का, उसके बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो इनकी पहली बुक मैं आपको बता देना चाहूँगा, इनकी पहली बुक तो वैसे मेंटल इलनेस एंड साइकोलॉजी है, बट इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस था नहीं, तो मैंने मैडनेस एंड सिविलाइजेशन दिया, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन बेसिस पे भी, और काफ़ी डिस्क्रिप्शंस भी है जिसमें। ये तो इनकी बुक है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। जैसा कि आपको अगर हिंदी टर्म देखना चाहोगे तो मैडनेस का मतलब होता है पागलपन, और सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। इसके अंतर्गत इन्होंने मनोचिकित्सा का अध्ययन किया था। आपको बता देना चाहता हूँ, मनोचिकित्सा यानी मानसिक रूप से जो चिकित्सा की जाती है, उसके बारे में इन्होंने इसमें वर्णन किया था। एक पागल होता है जिसकी सभ्यताएं सब जिसके सभ्यता को आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है, और वो ये मनोचिकित्सा, इसके अंतर्गत मैंने आपको जैसे बताया कि मनोचिकित्सा का वर्णन करना, तो मनोचिकित्सा आपको ज्ञान के पुरातत्व के संदर्भ में पढ़ना है। अब देखिए एक टर्म और भी बात आ गई कि ज्ञान के पुरातत्व का क्या मतलब है इससे रिलेशन। तो यहाँ पे ज्ञान का मतलब ये है कि इसका प्राचीन संदर्भ क्या था, इसके बारे में जो जानकारी है, जहाँ ज्ञान है मनोचिकित्सा के संदर्भ में, कि एक मानसिक रूप से जो बीमार यानी पागल जो होता था, उसे प्राचीन समय में किस तरह ट्रीट किया जाता था, उसे उसका उपचार किया जाता था, किस प्रकार समाज का उसके प्रति दृष्टिकोण था, ये सब सारी चीज़ें, और आज वर्तमान में कैसा इसका स्वरूप है, एक पागल को किस तरह उसके ट्रीट किया था, उसका उपचार किया जाता है, और उसे समाज किस प्रकार देखता है, इस सब सारी चीज़ों के एक प्रकार से कहेंगे कि पागलपन का ही इन्होंने प्राचीन और आधुनिक संदर्भ में तुलना की है, पागल का, कि पागल को किस तरह प्राचीन समाज में देखा जाता था और आधुनिक समाज में, तो इस तरह इन्होंने वर्णन किया। आगे देखते हैं ज्ञान के पुरातत्व के बारे में इन्होंने क्या लिखा है। पागलपन के संबंध में होने वाले ज्ञान के इतिहास को इतिहास से इन्होंने समझाया है मनोचिकित्सा को, पागलपन के संबंध में होने वाले ज्ञान के इतिहास से, यानी क्लासिकल युग से आज तक। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए मैं यहाँ पे जो लिखा रहता है उसके अकॉर्डिंग तो मैं बाद में बताता हूँ, बट एक ओवर मैं एक कहेंगे कि आप एक संक्षिप्त उसका जो डिस्क्रिप्शंस होगा वो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ पहले, उसके बाद मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पहले समझ में आ जाए, उसके बाद तो लिखने वाली चीज़ें और पढ़ी वाली चीज़ें तो वो सब आपको कहीं कहीं मिल जाती हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पे। सॉरी। इसके अनुसार पागलों को पहले देखिए मिशेल फोको के अनुसार इन्होंने फिर डिस्क्रिप्शंस दिया कि जो इन्होंने क्लासिकल युग से और वर्तमान समय में तक जो पागल के प्रति जो लोगों का दृष्टिकोण था, उस संदर्भ में इन्होंने एक वो दिया है, स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कहा कि पागलों को पहले एक असामाजिक व्यक्ति माना जाता था, बुराई के रूप में माना जाता था, और मानकर इन्हें जेलों में ठूंस दिया जाता था और लोगों से इनका कोई कांटेक्ट नहीं होता था। बट आज का क्या है, वर्तमान में मानसिक रोगी को इन्हें असामाजिक व्यक्ति नहीं माना जाता है बल्कि मानसिक रोगी माना जाता है, और इन्हें मानसिक चिकित्सालय में जाके चिकित्सा इनकी की जाती है, इनका ट्रीटमेंट किया जाता है वहाँ पर। अंडरस्टैंड? तो आप देखो इन्होंने बस कुल मिला के इन्होंने एक मनोचिकित्सा के संदर्भ में लोग समाज में आए हुए बदलाव के बारे में इन्होंने इसमें दिया है।
नेक्स्ट इन्होंने इसी बुक के अंतर्गत ही इन्होंने ज्ञान के पुरातत्व के बारे में इन्होंने डिस्क्रिप्शन से वर्णन दिया है। ज्ञान के पुरातत्व में इन्होंने बताया कि इसमें फोको के अध्ययन की जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दिया कि ज्ञान के पुरातत्व को इनका यहाँ पे आशय प्राचीन समाज में ज्ञान का स्वरूप और वर्तमान समाज तक जो ज्ञान का स्वरूप था, प्राचीन समाज से लेकर आज तक जो ज्ञान का स्वरूप है और इतिहास के संदर्भ में ये क्या है, ये इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसमें फूको का अध्ययन की विषय वस्तु क्या है, देखिए यहाँ भी विषय वस्तु इन्होंने बताया कि ज्ञान विचार वार्तालाप का ढंग रहे हैं। इसमें जो ज्ञान के पुरातत्व में इन्होंने बताया कि फूको का अध्ययन जनरली इसी पर आधारित है कि ज्ञान क्या है, विचार और वार्तालाप के ढंग क्या रहे हैं, वर्तमान प्राचीन से लेकर वर्तमान तक क्या ढंग रहे हैं इसके बारे में इन्होंने। इसे ज्ञान के इतिहास में निरंतरता के रूप में देखा गया। ज्ञान के इतिहास में निरंतरता यानी जो वार्तालाप का ढंग है, जो विचार है, जो ज्ञान है, ये प्राचीन समाज से लेकर और आज तक ये निरंतर चलता आ रहा है, इसलिए निरंतरता के रूप में इसे देखा गया। अब देखिए ज्ञान के इतिहास को कैसे समझाया इन्होंने, अर्थात ज्ञान एवं विचार का जो स्वरूप है अतीत में क्या था और उसके आधार पर वर्तमान में ज्ञान का निर्धारण किस प्रकार होता है, इसका इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया ज्ञान के इतिहास के अंतर्गत, जैसे कि मैं आपको पहले बता दिया था। और इस पर इनका संरचनावाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। देखिए इन्होंने, मैं आपको पहले ही बताया था कि ये उत्तर संरचनावादी और उत्तर आधुनिकतावादी दोनों कहे जाते हैं और इनके अवधारणाओं के ही आधार पर, विभिन्न विभिन्न जो इनकी अवधारणाएं हैं उनके आधार पर इनको एक विशेष उत्तर संरचनावादी, विशेष अवधारणा के आधार पर इन्हें उत्तर संरचनावादी कह दिया जाता है और एक विशेष अवधारणा के लिए इन्हें उत्तर आधुनिकवादी कहा जाता है। तो उत्तर संरचनावादी या संरचनावाद का प्रभाव इनके ज्ञान के पुरातत्व जो हिस्ट्री ऑफ नॉलेज है उसके संदर्भ में इनका संरचनावाद का वो दिखाई देता है प्रभाव। और जबकि इनका जो एक इनकी जो बुक है कि इनकी जो इनका जो अवधारणा है जीनोलॉजी ऑफ पावर, शक्ति की अनुवांशिकी यानी आनुवांशिक समाज में मतलब आनुवांशिकता का यहाँ पे क्या है, आनुवांशिकता होती है कि जो दिन प्र, जो ये क्या कहते हैं, आप बोल सकते हो कि आनुवांशिक जो वंश है वो स्टेप बाय स्टेप चला आ रहा है, ये चीज़ें जो वंशावली है वो स्टेप बाय स्टेप चली आ रही है। लेकिन इन्होंने उस वंश से इनका मतलब नहीं है, इनका मतलब है शक्ति की आनुवांशिकी से। तो देखिए इन्होंने क्या बताया शक्ति की अवधारणा में, इन्होंने यह अवधारणा ज्ञान के बारे में ज्ञान एवं शक्ति के बीच में पाए जाने वाले संबंधों का स्पष्टीकरण करता है। जो शक्ति की आनुवांशिकी है ये ज्ञान और शक्ति के बीच में पाए जाने वाले संबंध का स्पष्टीकरण करता है। यानी अगर आप बोलोगे, एक डिस्क्रिप्शन समझ लीजिए फिर मैं पढ़ता हूँ आगे। इनका शक्ति की आनुवांशिकी का अभिप्राय ये है कि ज्ञान रूपी शक्ति को समझाने से है। यानी किस प्रकार, यानी इन्होंने ज्ञान को शक्ति का रूप माना है। कैसे, इन्होंने कहा है कि इनके अनुसार कि समाज में व्यक्ति के पास अगर विशेष कोई ज्ञान है तो एक प्रकार से वो उसकी क्या है, एक पावर, उसकी शक्ति है जिसके आधार पर वो समाज पर और एक जो उसकी जो कहते हैं जो उसकी नॉलेज है उसी के अकॉर्डिंग जो उसका समाज होगा उस पर वो नियंत्रण रख पाता है। जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे एक चिकित्सा शास्त्री जो एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर अपने एरिए में क्या होता है, वो नॉलेजेबल होता है। तो एक प्रकार से उसका जो डॉक्टरी जो चिकित्सा के संदर्भ में जो उसका एक नॉलेज है वो उसकी क्या है, एक पावर है। तो उसके आधार पर वो चिकित्सा से संबंधित कोई भी व्यक्ति अगर वो है तो समस्या से पीड़ित है या जो भी व्यक्ति है चिकित्सा संबंधित उस पर वो अपना नियंत्रण बनाए रखने का काम करता है। तो उसका हुआ नहीं कि उसका जो ज्ञान पर है, जो शक्ति है उसके आधार पर लोगों पर नियंत्रण बना रहा है, तो उसका एक शक्ति हुआ, ज्ञान रूपी शक्ति। आई होप समझ में आ गया होगा शक्ति की आनुवांशिकता। तो इन्होंने इसके अंतर्गत ज्ञान एवं शक्ति के बीच पाए जाने संबंध का ही स्पष्टीकरण किया है, किसने, मिशेल फूको ने। आगे देखते हैं, इन्होंने ये प्रस्तुतिकरण जो शक्ति के आधारित जो प्रस्तुतिकरण जो इन्होंने दिया है ज्ञान को शक्ति के संदर्भ में जो समझाया है ये इन्होंने जो नित्से हैं, नित्से समाजशास्त्री हैं, दर्शन शास्त्री हैं नित्से, उनके शक्ति के जो दर्शन शास्त्र वाला जो सिद्धांत था उससे प्रभावित होकर इन्होंने ज्ञान रूपी शक्ति की अवधारणा को प्रस्तुत किया है।
तो आपको अगर पूछा जाता है कि इन्होंने शक्ति की, ज्ञान रूपी शक्ति की अवधारणा को किससे प्रेरित होकर लिखा, तो किसके किससे प्रेरित होकर इन्होंने प्रस्तुत किया लोगों के सामने, तो आप बोल सकते हो नीत्से से प्रभावित होकर। नेक्स्ट, फूको के अनुसार ज्ञान शक्ति का ही रूप है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। अब आपको देखो कैसे है, तो आपको मैंने समझा दिया था पहले भी, लिखा कि यहाँ पे एक एग्जांपल और दे, जैसे कोई तकनीकी विशेषज्ञ जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर अपने क्षेत्र में होगा, एंड आदि ज्ञान रूपी शक्ति के कारण ही समाज में सामान्य जन पर अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं। ये स्वरूप इनमें उत्तर आधुनिकता के प्रभाव की जानकारी देता है। यानी ये सब सारी चीज़ जो अवधारणाएँ हैं, ये इन्होंने उत्तर आधुनिकता पर ही आधारित होकर इसका अध्ययन अध्यापन किया है। आई होप शक्ति की अनुवांशिकी समझ में आ गई होगी, और प्लीज़ आप लोग कमेंट के थ्रू अगर बताइएगा अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है समझने में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी, वो दूसरी बुक का नाम है द वर्थ ऑफ क्लिनिक, इसकी हिंदी क्या होगी, सॉरी, एक नैदानिक केंद्र का जन्म, द बर्थ ऑफ अ क्लिनिक, इसका हिंदी होगा एक नैदानिक केंद्र का जन्म। नैदानिक केंद्र, इसको भी इन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ में समझा, यानी जो ऐतिहासिक काल में चिकित्सा का स्वरूप कैसा था, क्लिनिक का आवाज क्या है, इस पर इन्होंने सूक्ष्म विश्लेषण किया। जिसे इन्होंने इसके अंतर्गत फूको ने चिकित्सा की पुरानी संरचना और नई संरचना का सूक्ष्म परीक्षण किया, तुलनात्मक अध्ययन किया इन्होंने पुरानी संरचना और नई संरचना का इसके अंतर्गत कैसे, और इसके आधार पर सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर इन्होंने बताया कि आधुनिक समय में नैदानिकी परीक्षण यानी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही चिकित्सा शास्त्री क्या कर पाता है, मरीज को ठीक करने का दावा करता है। यानी पहले क्या होता था कि तकनीकी जो चिकित्सा संबंधी जो तकनीकी है वो इतना डेवलप नहीं होती थी, जिसकी वजह से डॉक्टर क्या होता था वो इतना कॉन्फिडेंसली नहीं कह पाता था कि मरीज को ठीक कर पाएगा। बट आज का जो चिकित्सा शास्त्र है या चिकित्सा शास्त्र संबंधित जो चिकित्सा शास्त्री हैं, वो किसी मरीज को ठीक करने का बिल्कुल कॉन्फिडेंसली बिल्कुल वो ठीक करने का दावा करते हैं, और वो किसके कारण संभव हो पाया है, वो नैदानिकी प्रेक्षण यानी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन विधि है, जिसके द्वारा वो अध्ययन करके और दावा करते हैं किसी मरीज को ठीक करने का, तो इसके द्वारा संभव हो पाया है आज के समाज में, जबकि पहले समाज में ऐसा नहीं था। ये चीज़ें इस तरह से पुरानी संरचना और नई संरचना, तो नई संरचना यहाँ पे क्या हो जाएगी, नैदानिकी परीक्षण, जिसके आधार पर चिकित्सा शास्त्री मरीज को ठीक करने का दावा करता है। तो एक प्रकार से ठीक करने का दावा ये क्या दिखा रहा है, ये एक प्रकार की चिकित्सा शास्त्री या डॉक्टर की क्या है, ये एक शक्ति के रूप में है, ज्ञान रूपी शक्ति का ही रूप है। नेक्स्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनका अगर आप कहोगे कि एक सार रूप में अगर इनका डिस्क्रिप्शन आप जानना चाहोगे कि इनका मेन अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है, तो इनका ज्ञान को शक्ति से संबंध बनाना पहला, और दूसरा इन्होंने जो भी अध्ययन कार्य किया है वो पुरानी और नई संरचना के आधार पर इन्होंने किया है। यानी पुराने समाज में किसी चीज़ का क्या स्वरूप था और आधुनिक समाज में किसी चीज़ का क्या स्वरूप है, इस आधार पर इन्होंने अपनी सारी अवधारणाओं, सारी बुकों का डिस्क्रिप्शंस लोगों के सामने, व्याख्या लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो ये इसका क्या होगा, की पॉइंट इनके अध्ययन कार्य का। अब नेक्स्ट इनके बुक का नाम आता है डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट। डिसिप्लिन क्या होता है, अनुशासन, पनिशमेंट होता है दंड, अनुशासन और दंड। देखो अब अनुशासन और दंड की भी प्रक्रिया को इन्होंने ऐतिहासिक विश्लेषण के आधार पर समझाया है। कैसे, इन्होंने कहा है कि अनुशासन पहले क्या होता था, बना रहता था, तो दंड का स्वरूप भी, लेकिन दंड का स्वरूप बना रहता था क्योंकि दंड का स्वरूप क्या था, बहुत टिपिकली था। और ये कहा जाता है, मैं आपको एक अभी आउटलाइन बता देता हूँ, फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। और फिर प्राचीन समाज में दंड का स्वरूप बहुत टिपकली था। टिपकली मीन्स व्यक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता था। पहले जो होता था, व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए उसे कटघरे में बंद करने की कोशिश किया जाता था, यानी व्यक्ति का शारीरिक नियंत्रण किया जाता था। लेकिन आज जो है, आज के समय में फूको के अनुसार ऐसा है, मेरा विचार नहीं है ये, खुद का फूको के अनुसार इन्होंने कहा कि पुराने समय में जो
दंड दंड दिया जाता था व्यक्ति को अपराध करने पर, अनुशासन बनाए रखने के लिए वो उसके शारीरिक नियंत्रण पर बल दिया जाता था। जबकि आज के समाज में जो व्यक्ति पर नियंत्रण रखा जाता है, वो नियंत्रण उसका शारीरिक नियंत्रण नहीं, यानी जेलों में कैद करना नहीं, बल्कि आज किया जाता है उसका आत्मनियंत्रण किया जाता है, यानी उसकी आत्मा को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। इट मीन्स आप बोल सकते हो इसका मानसिक उपचार किया जाता है। जो व्यक्ति अपराध या अपराध से ग्रसित होता है या किसी को दंड दिया जाता है, तो ये ऐसा इनका डिस्क्रिप्शन था। चलिए आइए हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। फोको के अनुसार फोको ने दंड एवं अनुशासन की प्रक्रिया का ऐतिहासिक काल से आज तक की व्यवस्था का सूक्ष्म परीक्षण किया। इनके अनुसार पहले क्या होता था, शारीरिक दंड पर, फांसी पर जोर दिया जाता था, किंतु आजकल शरीर को नियंत्रित करने की अपेक्षा किस पर नियंत्रण कर लिया जाता, आत्मा को नियंत्रित करने के बल लिया जाता, अर्थात कारागृह की व्यवस्था किया जाता है। इसका आशय है कि व्यक्ति को की स्वतंत्रता को आप प्रत्यक्ष तौर पर प्रतिबंधित करना, प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, प्रत्यक्ष तो आपका शारीरिक दंड हो जाएगा, लेकिन आत्मा को नियंत्रित करना, ये आप प्रत्यक्ष रूप में लोगों को प्रतिबंधित करना कि आप दंड ना करें, और दंड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सजा मिलेगी, ये चीज़ है। अब इन्होंने भी देखो, फिर बात आ गई कि इन्होंने ये ज्ञान रूपी जो शक्ति का इन्होंने एक साधन माना, ज्ञान रूपी शक्ति का साधन माना किसे, जेल व्यवस्था को, यानी जेल ही के अंदर ये ज्ञान, जेल के अंदर ये शक्ति है जिसके आधार पर वो क्या करता है, लोगों पर नियंत्रण बनाए रखता, तो शक्ति का साधन माना इन्होंने ज्ञान रूपी शक्ति का। नेक्स्ट इनकी बुक का नाम आता है, नेक्स्ट बुक कौन सी है, आई होप समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आगे पढ़ते हैं। इनकी बुक का नाम है, नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। इन्होंने कामुकता के इतिहास का भी अध्ययन किया था। कामुकता का यहाँ पे अभिप्राय यौन व्यवहार से है। फोको के अनुसार कहा गया है कि यौन व्यवहार को शक्ति सत्ता के संबंधों से विश्लेषण, इन्होंने इन्होंने जो कामुकता, जो यौन व्यवहार है, उसे शक्ति संबंधों से विश्लेषित किया है, शक्ति सत्ता के संबंधों से विश्लेषित कैसे किया है। इनके अनुसार यौन व्यवहार संबंधी जो ज्ञान होता है, ज्ञान होता है वह उस पर नियंत्रण स्थापित करता है, यानी जिस व्यक्ति में यौन व्यवहार संबंधी ज्ञान होता है, वो समाज पर या समाज में होने वाले रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन पर यौन व्यवहार से संबंधित क्या करता है, नियंत्रण बनाए रखना या स्थापित करने का काम करता है। इन्होंने इसे तीन खंडों में विभाजित करके इन्होंने इसका विश्लेषण किया है। आइए देखते हैं तीन खंड क्या हैं। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी को तीन पार्ट में बांटा था और उसे दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको बाद में बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको नहीं बताया, बस नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। लैंगिक व्यवहार के कुछ रूपों को स्वीकार किया जबकि कुछ को निषेधित किया। निषेधित कैसे किया, स्वीकार कैसे किया, इन्होंने बताया कि निषेधित किया तो इन्होंने न्यायिक दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर इन्होंने लैंगिक व्यवहार का अध्ययन किया, यानी जस्टिसेबल और फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से इसको देखा ये लैंगिक व्यवहार को। और इन्होंने दूसरे पॉइंट में बताया कि इन्होंने इसे सुख आनंद की व्यवस्था के रूप में समझाया कि ये सुख आनंद के लिए व्यक्ति करता है लैंगिक व्यवहार। और नेक्स्ट है आत्मसंयम की अवधारणा। इन्होंने इसके अंतर्गत मतलब यौन व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए इन्होंने एक अवधारणा का प्रयोग किया, आत्मसंयम, यानी व्यक्ति को खुद पर, खुद से कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए इस प्रकार के व्यवहारों पर, इस प्रकार के व्यवहारों के लिए खुद पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए, तभी वो नियंत्रण बना सकता है। ये चीज़ है, मतलब समाज यानी जो सार्वजनिक जो हुआ है चीज़, वो उसके द्वारा नहीं, मतलब कि आप बोल सकते सर्विंग, मतलब मीन्स यहाँ पे है कि किसी राज्य विशेष द्वारा इस पर नियंत्रण नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि इनका कहना था कि आत्मसंयम के द्वारा यौन व्यवहारों पर नियंत्रण बनाया जा सकता है और ये व्यक्ति द्वारा ही संभव है, ऐसा इनका मानना था। तीन प्रकार से इन्होंने ये कहा था यौन व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, इसे निषेधित करने के लिए तीन प्रकार की व्याख्याएं दी। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। और नेक्स्ट इनकी बुक आती है, बुक का नाम फूको ने उत्तर आधुनिकता के विश्लेषण में, फूको ने उत्तर आधुनिकता के विश्लेषण में प्रतीकों एवं संकेतों के विनिमय के अर्थ को समझाया। मैंने कहा कि फूको ने उत्तर आधुनिकता के ही विश्लेषण में इन्होंने प्रतीकों और संकेतों के विनिमय को समझाया, यानी प्रतीक यानी चिन्ह और संकेत भी आपका चिन्ह ही होता है,
बस दोनों में कुछ हद तक डिफरेंस है, वो हम डिफरेंस यहाँ पे नहीं देखेंगे, बाद में समझाऊंगा मैं। बस यहाँ पे आप देखेंगे कि संकेत जो है विनिमय, इसका क्या अभिप्राय, यानी इन्होंने कहा कि जो उत्तर आधुनिक समाज है, पहले सुन लीजिए उसके बाद आप करिए, फिर पढ़ूंगा मैं लाइन बाय लाइन। इन्होंने कहा जो उत्तर आधुनिक जो समाज है, उस समाज में जो संकेत है, संकेत है वो अपने दृश्य में, अपने जो जिस रूप में वो दिखाई देते हैं, वही उनका क्या माना जाता है, यथार्थ रूप मान लिया जाता है। यानी वो इंटरनल फॉर्म में किस प्रकार है, मतलब आंतरिक रूप से वो किस किस तरह है, ये इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, बल्कि उनका बाह्य रूप ही लोगों को दिखाई देता है, और वही बाह्य रूप ही लोगों को सत्य, लोगों के द्वारा सत्य मान लिया जाता है। तो इन्होंने उत्तर आधुनिक समाज को संकेतों, प्रतीकों का का समाज माना, यानी उसके विनिमय को माना कि उसका संचार इस प्रकार होता है लोगों में। चलिए आइए पढ़ते हैं लाइन्स लाइन बाय लाइन। इस समाज में प्रतीकों का प्रभाव है, इन्होंने कहा कि उत्तर आधुनिक समाज जो असमाज है उसमें प्रतीकों का प्रभाव है, इसका लोगों पर नियंत्रण बना रहता है, नियंत्रण बना रहता है। तो ये नियत प्रतीकों का ये प्रभाव अगर है, नियंत्रण बना रहता है, तो एक प्रकार से ये क्या होगी उस समाज में, प्रतीकों का प्रतीक क्या होंगे, ये शक्ति होगी इसकी, प्रतीकों की शक्ति होगी लोगों पर नियंत्रण बनाए रखने के। अर्थात ये यथार्थ ना होने के बावजूद भी हमें, हम इन्हें यथार्थ समझते हैं, मतलब ये यथार्थ नहीं होता है बट हम इन्हें यथार्थ समझ बैठते हैं। यथार्थ समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि जैसे टीवी पर दिखाए जाने वाला जो विज्ञापन होता है, टीवी पर दिखाने विज्ञापन होता है, उसके एक्चुअलिटी पर हम ध्यान नहीं देते हैं कि उसके उसका एक्चुअल, उसका आंतरिक स्वरूप क्या है, बल्कि उस बाह्य रूप में किस तरह दिखाई दे रहा है उस पर हमारा ध्यान जाता है, और उसी को हम क्या करते हैं, क्या यथार्थ मान लेते हैं। ये है संकेतों के आधार पर आधारित उत्तराधुनिक समाज, और उस पर इन्होंने टिप्पणी की थी फूको ने। फूको के विश्लेषण की मुख्य अवधारणा है विमर्श, यानी विमर्श। देखिए आपको मैंने दो पहले पहले ही बताया था दो, और तीसरा आप जोड़ लीजिए कि फूको के विश्लेषण की मुख्य अवधारणा विमर्श है, डिस्कर्ष, डिस्कर्ष। यानी विमर्श का मतलब यहाँ पे ये है कि देखिए आप इन जनरल अगर आप सामान्य रूप में अगर इसकी परिभाषा जानना चाहेंगे, तो इसका होता है कि जब किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी विशिष्ट अध्ययन वस्तु पर लिखी जाने वाली बातें या बोली जाने वाली बातें, ये होता है विमर्श। अंडरस्टैंड, फिर से सुन लीजिए, सामान्य अर्थ में अगर आप समझना चाहोगे, सामान्य अर्थ में क्या होता है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग यह है कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी विशिष्ट अध्ययन वस्तु पर बोलना या उसके बारे में लिखना, ये होता है विमर्श। और ये एक प्रकार से उस व्यक्ति की क्या होगी, ज्ञान आधारित शक्ति होगी। अंडरस्टैंड, फूको के विश्लेषण में, तो फूको के भी विश्लेषण में कुछ अलग नहीं है, इन्होंने सारी चीज़ों पे बहुत सारा विमर्श ही किया है, इसलिए इनके अध्ययन विश्लेषण के मुख्य अवधारणा विमर्श ही है। और ये एक प्रकार से किसी व्यक्ति की क्या है, ये ज्ञान रूपी शक्ति ही माना है फूको ने। इसके अलावा फूको के कुछ आलोचक भी रहे हैं, बहुत सारे रहे हैं, सॉरी, हाँ फूको के बहुत सारे आलोचक रहे हैं, बट उनमें जो महत्वपूर्ण मुझे लगा एग्जाम के बेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, गिडेंस के द्वारा फूको के सत्ता शक्ति संबंधी विचारों पर आलोचना की गई है। यानी जो उनका सत्ता शक्ति संबंधी जो विचार है उस पर उन्होंने आलोचना की। क्या कहा है कि शक्ति को व्यक्तियों संसाधनों के साथ जोड़ना चाहिए, बल्कि उन्होंने क्या, किससे जोड़ा है, ज्ञान रूप, ज्ञान से इन्होंने जोड़ा है फूको ने, सत्ता संबंधी शक्ति, सत्ता शक्ति को किस पर जोड़ा है, ज्ञान पर। और इनका मानना था ज्ञान के व्यक्तियों संसाधनों के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति एजेंसियों पर जोड़ ही देते हैं नियम और उस पर कर्ता पे, तो इसलिए इन्होंने इस पर आधारित माना। आई होप आपको इस ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे जो भी विचारक होंगे वो हमारे हैं मिसल मिसल फूको के बाद कौन सा, एक सेकंड, हाँ हैबरमास, हैबरमास के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो चलिए, तो आप, आपको मैं बता देना चाहता हूँ लास्ट में कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप
प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारे लोगों को शेयर करिए। देखिए बार बार मैं बोलता हूँ कि शेयर करिए लोगों को, ढेर सारे लोगों को शेयर करिए। आप अगर लाभ ले रहे हैं इससे तो आप दूसरे को भी लाभ दीजिए, ठीक है। मैं बार बार देखिए ना शुरू में कहता हूँ ना बीच में कभी नहीं, मैं लास्ट में एक बार ज़रूर आपको याद दिला देता हूँ इसके, और कहना मेरा काम है तो आप प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए और ऐसे इग्नोर मत करिए बातें। और क्या कहते हैं, शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक लोगों के तक पहुँचे ये बातें कि हाँ वहाँ पर ये पढ़ाया जा रहा है और अच्छे तरीके से और काफ़ी डिटेल में विस्तृत में पढ़ाया जा रहा है, तो प्लीज़ आप इस पर ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो आई मीट यू।